वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गांडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ एक और मुजामती तहरीक जो है वो शुरू करने जा रही है, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में ही जराये के मुताबिक वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो पानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे हैं और मुख्तलिफ मौजूद पर जो सियासी होंगे उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन मेन जो एजेंडा होगा वो आने वाले दिनों में मुमकिन मुजामती तहरीक होगी और एहतजाज का जो नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के जराये अब कन्फर्म कर रहे हैं कि उस पर आज अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से जो है मजीद मुशावरत करेंगे। ठीक है कमर, दोनों खबरों के हवाले से अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ एक और मुजामती तहरीक जो है वो शुरू करने जा रही है, जिसकी तैयारियों के सिलसिले में ही अदराय के मुताबिक वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो पानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे हैं और मुख्तलिफ मौजूद पर जो सियासी होंगे उनके ऊपर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन मेन जो एजेंडा होगा वो आने वाले दिनों में मुमकिन मुजामती तहरीक होगी और एहतजाज का जो नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है तहरीक इंसाफ के जरा अब कन्फर्म कर रहे हैं कि उस पर आज अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से जो है मजीद मुशावरत करेंगे। ठीक है कमर, दोनों खबरों के हवाले से अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।